Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. देश के महबूब हम लोगों के बीच में वो नाम अखिलेश पश्चिम से झूमता हुआ पश्चिम से झूमता हुआ संदेश आ रहे हैं 10 मार्च को यूपी में अखिलेश आ रहे हैं माइक पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मंच पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के छोटे पौत आदरणीय यशवंतराव अंबेडकर जी मंच पर उपस्थित हमारे और आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी मंच पर उपस्थित पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज बहुत ही पुराने नेता पूर्व सांसद आदरणीय बालेश्वर यादव जी पूर्व विधायक विश्वनाथ सिंह जी राम अवध यादव मेलसी जी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के हमारे रामकोला के प्रत्याशी डॉक्टर पूर्णमासी देहाती जी पडरौना के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विक्रमा यादव जी फाजिलनगर के पार्टी के नेता कलमुद्दीन जी संजय गुप्ता जी संजीत यादव जी विपिन सिंह जी हसमुद्दीन अंसारी जी विजय यादव जी शिवनाथ चंद्रशेखर जयप्रकाश जी राजेश्वर राम अवध पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रहमत अली जी हीरा लाल यादव जी रणेंद्र यादव जी वहीं हमारे विधायक भगवती सागर जी और पूर्व में मंत्री पश्चिम के बड़े नेता हमारे पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी जी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और गठबंधन के सभी हमारे नेता इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई माताएं बहने नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं मैं सबसे पहले यहां पर आए हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं मैं देख रहा हूं चारों तरफ हमें मैदान में लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और दोपहर का समय है इधर गर्मी भी बढ़ गई है लेकिन मुझे पता है फाजिलनगर और इस विधानसभा के लोग इस बार किसी की गर्मी निकाल देंगे न केवल गर्मी निकालेंगे मैं अभी आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुन रहा था मैं ये कह सकता हूं उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की भाप निकल जाएगी भाप बताओ भाप निकलने लगी कि नहीं निकलने लगी हमारा सौभाग्य है कि आज भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी हमारे और आपके लिए और आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन और सहयोग के लिए बंबई से चल करके आए हैं
इतनी दूर से चल करके आए हैं, बिल्कुल बिहार की सीमा पर आप वोट मांगने आए हो। मैं यहां पहले भी एक बार वोट मांग के चला गया था, उस समय भी साइकिल के लिए वोट मांग करके गया था। जब महाराष्ट्र से चल करके आए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पोते, तो बताओ यहां से ऐतिहासिक वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? हमारे बाबा जी घबराए हुए हैं। आजकल उनका चेहरा देखा कि नहीं देखा? चेहरे पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और चेहरे को ढंग से देखना आप, जरा चेहरे को ढंग से देखना, होश उड़ गए उनके होश। और उस दिन का याद नहीं होगा, उस दिन याद नहीं होगा जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी हम लोगों के साथ आ गए। मैं तो इंतजार कर रहा था 2011 से। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरा इंतजार 2011 के से था। और अगर 11 में ही ना आए कोई बात नहीं, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा था इन्होंने, अगर उस समय आ गए होते तो हमें इतने 5 साल बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। '17 में आ गए होते, तो आज उत्तर प्रदेश आगे दिखाई देता। लेकिन मुझे खुशी है कि आज जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो सब यही नजर लगा करके बैठे थे कि कब आएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और आपके आने से जो बदलाव हुआ है, जिस दिन से आ गए उस दिन से हवा दूसरी चलने लगी कि नहीं चलने लगी? वैसे तो विधानसभा में जब हम लोग आमने सामने बैठते थे, अगर विपक्ष की कोई बात रखता था दमदारी से, तो यही आपके प्रत्याशी, आपके नेता दमदारी से रखते थे। हमें जवाब देना पड़ता था और हम लोग सदन में जवाब देते थे। पहले आमने सामने बैठते थे, अब हम लोग पास पास बैठेंगे और सरकार चलाएंगे। साथ बैठ करके सरकार चलाएंगे, ना भेदभाव होगा, ना अन्याय होगा, और जिनको आजादी के बाद हक और सम्मान नहीं मिला, उनको सम्मान दिलाने का काम हम दोनों लोग मिलकर के करेंगे। वैसे तो हमारे लिए वोट मांग के आए हैं। आपको पता होगा तीसरे चरण में हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे लिए वोट मांग करके आए, और इनका समाज और हर पिछड़ा दलित ऐसा इकट्ठा हुआ मैंने कभी नहीं देखा था।
हो सकता है करहल की जीत सबसे बड़ी जीत हो, लेकिन मैं सबसे बड़ी जीत से नहीं जीतना चाहता हूं। वो जीते सबसे बड़ी जीत जिसके लिए मैं वोट मांगने आया हूं। बताओ फाजिल नगर के लोगों, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? गिन लो वोट आप अपनी उंगलियों पर, बताओ कितने वोटों से जिता सकते हो आप? पीछे तो नहीं रह जाओगे? बताओ पीछे तो नहीं रह जाओगे? अगर जितना कह रहे हो, हां ये बात कही, अरे बीजेपी वालों की जमानत नहीं जब्त की तो क्या जिताया आपने? और इनके नेताओं को आपने नहीं देखा कैसे वोट मांग रहे हैं बीजेपी के नेता? एक नेता तो दंडवत हो गया, जनता से माफी मांग रहा है। एक नेता कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है, और आपने वो भी देख लिया होगा, एक नेता वोट के चक्कर में तेल मालिश कर रहा है। बताओ ये बीजेपी की हालत हो गई, ये डबल इंजन की हालत हो गई। ये डबल इंजन की हालत इसलिए हुई है क्योंकि जनता समझ गई है, इसीलिए इनकी झूठ की पटरियों को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ खड़ी हुई है। बताओ इनसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? ये बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनके भाषण सुनो, छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताओ किसान भाइयों आपकी आय दोगुनी हो गई क्या? और जब खाद की बोरी लेने गए, खाद की बोरी मिली थी आपको? डीएपी की बोरी और खाद की बोरी जब लाए होगे तो उसमें 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये सरकार में आ गए तो हो सकता है 10 किलो की चोरी कर लें। कभी कभी मैं सोचता हूं ये बोरी की चोरी कहां से सीखी इन्होंने। कभी बाजार में जाना और जानकारी करना कि पार्ले जी का बिस्किट पहले कितना बड़ा आता था, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और कंपनी ने कहा उन्हें मुनाफा पूरा करना है, तो वैसे वैसे आपने देखा होगा पार्ले जी का बिस्किट छोटा होता चला गया। बताओ छोटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसलिए सावधान रहना, ये बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो बोरी की चोरी 10 किलो हो जाएगी। ये तो कह रहे थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हवाई अड्डे बिक गए कि नहीं बिक गए? पानी के जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? बंदरगाह बेच दिया कि नहीं बेच दिया? रेलगाड़ी बेच दी और रेलवे स्टेशन भी बेचने जा रहे हैं। और कुशीनगर में समाजवादियों ने एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया, वो अभी बेचा नहीं है। जैसे हम और आप लोग कोई जमीन खरीदनी हो या बेचनी हो या कोई चीज लेनी हो तो बताओ हम लोग देखने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो अभी बेचा नहीं है, अभी केवल देखने आए थे। ये देख करके गए हैं इसका सौदा करने, इसलिए हो सकता है ये एयरपोर्ट बेच दें। इसलिए साथियों, इधर बाबा जी का भाषण सुना होगा आपने, वो हमें कह रहे हैं
कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने 12 बजे कहा सो के उठने का, हमने भी उनके घर पर नजर रख ली है। अब जो लोग गए होंगे हमारे घर, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे आए हैं, वो जानते हैं हमारी और उनकी दीवार एक है। आजकल मैं शाम को देखता हूं कुछ धुआं उड़ता नजर आता है। और अभी एक अधिकारी ने बताया है कि रात में उठ करके फिर वो धुआं मांगते हैं, नींद नहीं आ रही है। और अभी पुताई वाले मैंने देखे, पुताई वाले जा रहे थे, मैंने पुताई वालों से पूछा कि कहां जा रहे हो, तो वो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लगे उनको पोतने जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और 11 तारीख की तो उन्होंने टिकट बुक कर ली है लखनऊ से गोरखपुर की, बुक हो गई कि नहीं हो गई। और इनके एक नेता तो कमाल के हैं, पहले वो घर घर जाके प्रचार कर रहे थे डोर टू डोर, वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे ये नहीं पता। और अभी उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है कि लोग लैपटॉप की बात सुनकर के लोटपोट हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो इंटर पास कर लेगा और बाद में 12वां करने जाएगा उसे लैपटॉप दे देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां करने के बाद जो 10वां पढ़ेगा उसे लैपटॉप दे देंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो। बाबा जी कह रहे थे कि लैपटॉप बांट दिया, किसी को मिला यहां पर? और ये हाथों में स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, कहीं ये वोई वाले तो नहीं है? वो तो कह रहे 1 करोड़ दे दिया। अरे वो क्यों देंगे, वो खुद ही चलाना नहीं जानते हैं। और अभी उन्होंने एक तस्वीर डाली थी जिसमें खुद वो पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि ये स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते हैं। अगर आज के समय पर इन चीजों की जरूरत और इन चीजों के माध्यम से कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल सकता, अगर नहीं जानते तो शायद हमारे नौजवानों का भला नहीं कर सकते। इसलिए समाजवादियों ने कहा है कि आईटीआई पॉलिटेक्निक में और हमारे कॉलेजों में अगर आज के समय पर नई पढ़ाई और नए कोर्स और नई ट्रेनिंग करानी पड़ेगी तो नौजवानों को ट्रेनिंग करा करके 22 लाख नौजवानों को आईटी के क्षेत्र में रोजगार दिलाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे नौजवान जानते होंगे, 3 साल से दौड़ लगा रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, इन्हें फौज में जाने का मौका नहीं मिला है। ये गर्मी निकालने वालों को कह के जा रहे हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम करेंगे। न केवल फौज बल्कि पुलिस में भी नौकरी निकाल करके नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये शिक्षा मित्र वाले, बीएड टेट वाले, बीपीएड वाले और बीटीसी वाले, और हमारे यहाँ गरीब जनता जो दूर दूर से आई है, वो जानती होगी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इन्होंने हमारे बच्चों की पढ़ाई को चौपट कर दिया। बताओ बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, बीएड टेट वालों को अगर हमें समायोजित करना पड़ेगा तो बीएड और टेट वालों को समायोजित करेंगे, शिक्षा मित्र को नौकरी देंगे, बीटीसी से लेकर बीपीएड लोगों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। 11 लाख पद खाली हैं, 11 लाख पद खाली हैं,
वो भरे नहीं गए हैं। 11 लाख पदों को नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये अनुदेशक आए हैं, रोजगार सेवक हैं, 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि इनका भविष्य बदलेगा, भाग्य बदलेगा, नियमितीकरण होगा। अब 5 साल और इंतजार तो नहीं करना चाहते हो? आप करो मदद, हम लोग भी मदद करने का काम करेंगे आपको। इधर बिजली महंगी हो गई, बिल आ रहा है, लोग परेशान है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इधर समाजवादियों ने तय किया 300 यूनिट फ्री बिजली होगी और साथ ही साथ हमारे किसानों का सिंचाई फ्री होगी, कोई बिल का पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन को बहाल के लिए कह रहे थे, उसको बहाल करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए मदद करोगे? एक नेता है, वो ABCD सिखा रहे हैं सबको, कभी A फॉर ये, B फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये, कह रहे कि नहीं कह रहे? हमने भी उन्हें कहा कि अंग्रेजी मत सिखाओ, हम हिंदी सिखाते हैं आपको। और हमने कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और पत्रकार साथियों, काका का मतलब है काले कानून। बताओ, काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? तो जब काका चले गए तो बाबा भी जाएंगे। बताओ, हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इसलिए साथियों, हम लोग काम करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। हम लोग जाति जनगणना चाहते हैं। ये बीजेपी के लोग जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। वो जानते हैं कि जिस समय जाति जनगणना हो जाएगी, बहुत सारी जातियों की आबादी ज्यादा दिखाई देगी। हो सकता है कि जिनकी हम गिनती ना करते हों, जिनको हम सम्मान ना दे पाए हों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, जो संविधान हमें हक और सम्मान दिलाता है, आरक्षण दिलाता है, हो सकता है कुछ जातियों को हम न दे पा रहे हों। इसलिए समाजवादियों ने कहा है कि हम जाति जनगणना करा करके आबादी के हिसाब से सबको हक सम्मान दिलाने का काम करेंगे। इसलिए हम आपको भरोसा दिला रहे हैं, जाति जनगणना के लिए हमें कितना भी बजट का पैसा देना लग जाए, हम लोग लगाने का काम करेंगे और जाति गणना करा करके अपने सभी जातियों को बताने का काम करेंगे आखिरकार आबादी में कौन कितना है। इसलिए चुनाव छठवें चरण में होने जा रहा है। दूसरे चरण में धर्म सिंह सैनी जी वोट डाल करके आए हैं, उनका भी चुनाव हुआ है दूसरे चरण का। पहले चरण का आपको पता होगा, दूसरे चरण का इनका चुनाव हुआ, तीसरे में हमने वोट डाला और हमने भी चुनाव देखा। बताओ, तीसरे, चौथे और आज जहां पांचवा चरण का शाम को पता लगेगा, बताओ बीजेपी के लोग ठंडे हो गए कि नहीं हो गए? जब से जनता ने इनकी खड़ी की है खटिया, तब से इनके बयान हो गए घटिया के नहीं हो? बताओ आप, हो गए बयान घटिया के नहीं? कभी कभी कहते हैं कि आदरणीय मौर्य जी 5 साल क्यों सरकार में रहे, हमारे साथ रहे? हमने कहा हम तो बहुत पहले ही, हमारी इनकी बात हो गई थी, हमने कहा अभी मत आना, आना तब जब आपके आने से चोट हो। तो बताओ वो कहावत सुनी कि नहीं सुनी अंग्रेजी में, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, जब गर्म हो तभी हथौड़ा मारना। बताओ इनके आने से हथौड़ा लगा कि नहीं लगा? बताओ, छठे चरण के लोग, हमारे छठे चरण में वोट डालने वाले लोग, बताओ इन्हें छांटोगे कि नहीं छांट दोगे? ये लोग जो नफरत की बात कर रहे हैं, ये लोग जो झगड़ा लगाने की बात कर रहे हैं, ये नफरत और झगड़ा लगाने वालों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत बड़े नेता हैं, ये बहुत बड़े नेता हैं,
इन्होंने अपनी जिंदगी भर पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को जगाने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनको सम्मान दिलाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। इसलिए आज जब हमारे साथ आए हैं, ये जब हमारे साथ आए हैं तो लड़ाई बड़ी है। बताओ लड़ाई बड़ी है कि नहीं है? न केवल देश के लोग बल्कि दुनिया के लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। और ये उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसा चुनाव है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो बदलाव लाएगा ही लाएगा, लेकिन देश की राजनीति में भी परिवर्तन लाने का काम करेगा। इसलिए आप सबसे हमारी अपील है कि ये चुनाव अपने भविष्य का समझना, अपने आने वाली पीढ़ी का समझना, क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग सत्ता में हैं वो संविधान और धर्म और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए बताओ आप लोग मिलकर के सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, ये जान ही रही है, बेच देंगे बाद में इसको भी। अभी बैठ के देख रहे होंगे कि इसको बेचने में कितनी कीमत मिलेगी। और याद कीजिए वो कहावत कि न रहेगा बांस, जब सब बिक जाएगा, सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी, सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, तो नौकरी नहीं होगी ना आरक्षण होगा। इसीलिए तो बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? इसलिए मदद करिए। और यहां की जनता से हमारी विशेष अपील है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, बहुत ही सीनियर नेता, इनको ऐतिहासिक वोटों से जिताना। जब ये जीत करके जाए तो लगे कि हां फाजिलनगर की जनता ने कितने ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजा है। सदन में खड़े हों तो लगे कि जनता ने कितने वोटों से जिता करके भेजा है। आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि इनका सम्मान हम लोग सरकार में पहले से ज्यादा करने का काम करेंगे। और ये बात हम जानते हैं कि इनका सम्मान होगा तो हमारी पार्टी और मजबूत हो जाएगी, हमारी लड़ाई और मजबूत हो जाएगी। इसलिए जो आमने सामने बैठते थे अब हमारे साथ बैठने जा रहे हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं इनको स्थान भी देंगे और बड़ा सम्मान भी देंगे। और आपकी विधानसभा को हमें कितना भी विकास के लिए पैसा देना पड़ेगा, हम बाबा मुख्यमंत्री जैसे नहीं हैं कि छोटे दिल वाले हों। समाजवादी लोग बड़े दिल वाले हैं, जो विधानसभा चाहेगी हम उतना विकास कराने का काम आपके कहने से करने का काम करेंगे। और याद रखना, बाबा जी आए थे कुशीनगर, जब दलित और पिछड़ों से मिल रहे थे तो साबुन लगा करके मिल रहे थे, याद है कि नहीं? याद है, साबुन और शैंपू बांटा था। न केवल साबुन और शैंपू बांटा था बल्कि मुख्यमंत्री आवास को भी गंगा जल से धुलवाया था, याद है कि नहीं? याद है। इसलिए ऐसी पार्टी को आप उनके प्रत्याशियों को जमानत जब्त करने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अपने उद्बोधन से ओत प्रोत सभी को आह्लादित कर रहे थे और आदरणीय रामोद यादव जी से मुलाकात की उन्होंने। वाह, आपका स्वागत है। वो कायल है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का, वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का, हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो, इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में, वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत
स्वागत है, स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का। स्वागत है, स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का। स्वागत है, स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का। स्वागत है, स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.